और यहाँ पे स्वालो बर्ड मिलता है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। सो आज का मेरा प्रोग्राम है फीफी ले या फीफी डन देखने का। हम लोग कुछ 20-25 जन लोग हैं, सारे मेरे कलीग्स हैं, और हमने एक स्पीड बोट बुक किया है जहाँ पर पर्सन प्राइसिंग कुछ 3,000 थाई बात है। अब यहाँ पे आइटनरी में हमें माया बे दिखाया जाएगा, फिले लगून दिखाया जाएगा, वाइकिंग केव, मंकी बे, और फीफी डन में हमारा लंच का भी प्रोग्राम है। वापस आते बाद स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी भी ये आइटनरी में इंक्लूडेड है। कहा जा रहा है कि माया बे जो है वो अभी बंद है, सो वो दूर से सिर्फ देखने मिलेगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। और ये जो पियर है ये कुछ प्राइवेट पियर है, ऐसा कुछ नाम नहीं है इसका। और अभी हम जा रहे हैं स्पीड बोट में, वन बाय वन उन लोग फोटो भी कुछ खींच रहे हैं। अब बोट के जो पायलट थे वो आगे हमें अलाउ नहीं कर रहे थे, जब मैंने बोला कि वीडियो लेना है तभी जाके छोड़ा, क्योंकि आगे बहुत लिमिटेड लोगों को बिठाया जाता है बिकॉज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द स्पीड बोट। इसीलिए 3-4 जन ही मेरे कलीग से बैठे थे आगे। और अभी मेरे सारे कलीग्स बोर्ड कर चुके हैं स्पीड बोट, और हम लाइफ जैकेट पहन के रेडी हो चुके हैं स्पीड बोट में जाने के लिए। ये मैडम क्रू मेंबर हैं। अब बोट तो बहुत ज्यादा हिलडुल रही है, चल के देखते हैं आगे से कैसा नजारा है। एक घंटा हो गया हम जा रहे हैं माया बे में, ये बम्पी राइड लेके, और बहुत लोगों को उल्टी भी लग गई है। खास कर से लाइव रिपोर्टिंग, दो लोगों ने उल्टी अभी तक कर ली है और बाकी हम लोग अभी तक उल्टी नहीं किए हैं। अभी हम माया बे के आसपास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, नीला समुंदर है, क्लियर स्काई, बट जो वेव्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और हाई थे, जिसके वजह से काफ़ी लोगों को उल्टी हुआ ड्यूरिंग द ट्रिप। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्पोजेबल सिकनेस बैग खरीद के रखें अपने पास, और उल्टी ना होने के लिए आप मेडिसिन भी ले कर रखें। वैसे उन बोट वालों के पास ये चीज़ होता है, फिर भी इनकेस उनके पास ना हो तो आप अपने लिए पहले से खरीद के ये चीज़ें रखें। जैसा कि मैं कह रहा था, आप देख सकते हैं लहरें कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे। हमारे टाइम माया बे जो था वो बंद था, तो इसलिए हम लोग नज़दीक नहीं गए। ये मोस्टली अक्टूबर नवंबर या सितंबर अक्टूबर नवंबर 2-3 महीना बंद रहता है, सो आप जाने से पहले ये इंक्वायरी करके जा सकते हैं। हमारी बोट अभी बंद है, फिर भी आप देख सकते हैं हमारा बोट कैसे स्विंग कर रहा है इधर से उधर। सो माया बे के पास हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं रुके, क्योंकि और बहुत लोगों को उल्टी लग रही थी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चल पड़े। अभी हम एंटर कर रहे हैं पिले लगून, इसको पिले बे भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है, कम्प्लीटली टर्क्विस ब्लू, विच इज सराउंडेड विद जायंट वाटर्स। द व्यू इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड स्टनिंग। यहाँ पे स्पीड बोट जाता है, और आप जैसे साइड में देख पा रहे हैं लॉन्ग टेल बोट भी यहाँ पे बहुत चलते हैं। कुछ कुछ छोटे छोटे क्रूज भी आए थे हमारे टाइम पे, सो देखने वाली जगह है। आप अगर थाईलैंड जाते हैं, क्राबी जाते हैं, या आप फुकेट जाते हैं, तो यहाँ पे आना बिल्कुल मिस ना करें। जस्ट वॉच इट, द व्यू इज कंप्लीटली mesmerizing। पीले लगून की स्टेबल और क्लियर वाटर के वजह से इसे सबसे आइडियल माना जाता है फॉर स्विमिंग एंड स्नॉर्कलिंग के लिए। यहाँ पे हम कुछ 1 घंटे के आसपास रुके थे, जहाँ पे हमने स्विमिंग की और काफी मस्ती की। सो ये कुछ सराउंडिंग व्यू है पीले लगून का, जहाँ पे चारों तरफ जायंट लाइमस्टोन रॉक्स थे।
हम हैं वाइकिंग केव के आसपास। वो जो नेस्ट है ना, तो फोटो लगाए वही बोल रहे हैं। और यहाँ पे सोलो बर्ड मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 100,000 baht, 1,00,000 baht, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और अभी हम आ गए मंकी बे पे। ये भी एक छोटा सा साइट सीइंग स्पॉट है वाइल्ड गोइंग टू फिफी आइलैंड। यहाँ पे कुछ बंदर आपको मिलेंगे और छोटा सा जगह है। सो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, कुछ 20-25 मिनट रुका, थोड़ा फोटो लिया, घूमे और फिर निकल पड़े। और फाइनली हम 2.5 से 3 घंटे के बाद पहुँच गए फिफी आइलैंड में। बट द व्यू वॉज रियली अमेजिंग एंड एवरी पेनी स्पेंट ऑन इट रियली वर्थ इट। और कुछ घूमने के बाद हम लोग फिर गए लंच करने, जो हमारा पहले से प्लान था। फिफी आइलैंड घूम के लौटने के समय हमारी एक्टिविटी लिस्ट में स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी इंक्लूडेड था, जो कि कुछ लोगों ने भी किया। सो ऐसा कुछ था मेरा मस्ती भरा ट्रिप फिफी आइलैंड को स्पीड बोट में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताएं, और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोस। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है रिगार्डिंग द ट्रिप तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए ट्रैवलिंग वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग।